और अब हमारे साथ यूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका कॉपिट कनेक्शन में। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, जहां पर आने वाली तिमाहियों को लेकर उनकी क्या योजना है और भारत के किन किन क्षेत्रों पर उनका फोकस है। ओवरऑल आप कैसे इसको एनालाइज कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, हम स्टॉक पे बुलिश है, पर चूंकि बहुत जल्दबाजी में या पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रन अप हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में हम ऐसी कोई तेजी नहीं देख रहे। बट लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि से मेरा मतलब है साल सवा साल का कोई का नजरिया हो, तो 925 रुपए का टारगेट है और गिरावट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप देखें तो वेस्ट और साउथ में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स चलाती है और इस बार के नंबर्स हमें बहुत अच्छे लगे। 14% की सेम सेल्स SSG, जो कि इतनी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा था। 16 स्टोर ऐड किया इन्होंने, 5-6 की जो क्वार्टरली एवरेज है उसके सामने। मार्जिन्स भी सुधरे, जो कि प्राइस हाइक्स के थ्रू हुए एक तो, दूसरे नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए। और सबसे बड़ी बात है कि CY 27 तक इन्होंने 580 से 630 नए स्टोर खोलने की जो गाइडेंस दी है, 580 से 630 स्टोर की जो गाइडेंस दी है और 8% SSG की FY24 की गाइडेंस दी है, वो बहुत एक्साइटिंग है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट देगी इस स्टॉक में। NSE की लिस्टिंग जो है वो मुझे लगता है कि एक बेनिफिट आई है जो हालिया में हुई है। इन सब चीजों के मद्देनजर हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें गिरावट में खरीदारी की सलाह दे रखी। गिरावट में खरीदारी की सलाह वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में। धन्यवाद राजेश जी, समय निकाला आपने, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।